दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक ऑथर और बिजनेसमैन है। वो रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं, जो किताबों, वीडियो और सेमिनार के जरिए लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रदान करते हैं। कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड सीरीज की दुनिया भर में अब तक 40 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं और हेडफोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक पॉपुलर सीरीज रिच डैड पुअर डैड का हिस्सा है। रॉबर्ट कियोसाकी आपको अपना जॉब छोड़कर एक बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर गाइड करेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये ट्राई करने के लायक जरूर है। इस बुक में आप सक्सेसफुल होने के लिए इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे, एडवेंचर, ज्यादा टाइम, पैसा, सक्सेस और अपनी पसंद से चीजों को चुनने की फ्रीडम। ये सभी आपके हो सकते हैं अगर आप एक बिजनेसमैन बनने का रास्ता अपनाते हैं। दोस्तों, क्या आप अपने रेगुलर 9 to 5 जॉब से थक चुके हैं? क्या आप एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते करते बोर हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपके लिए है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत की और आज वो काफी सक्सेसफुल है और अच्छा खासा कमा रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। ये बातें सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई सपना है। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट आपको सिखाएंगे कि अपनी जॉब छोड़कर एक लंबी छलांग लगाने से पहले आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है। एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं है। इस बुक के जरिए आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसमें आपको रेगुलर तनख्वाह और बेनिफिट नहीं मिलने वाले। आप ये भी जानेंगे कि नए बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हों। इस सफर की शुरुआत अपना माइंडसेट और नजरिया बदलने से होती है। हो सकता है कि आप सालों से एक एम्प्लॉय हो और एक एम्प्लॉय की तरह ही सोचते हो, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। एक बिजनेसमैन किस तरह सोचता है, ये सीखने के बाद आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों मिलेंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बुक के कुछ खास लेसन्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सभी लेसन्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। लेसन 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन एम्प्लॉयर। मतलब दोस्तों, एक उद्यमी और एक कर्मचारी के बीच क्या अंतर है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड थे उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी एम्प्लॉय बनने के लिए एनकरेज किया। तो वही रिच डैड का कहना था कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए एनकरेज किया। तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में आखिर फर्क क्या होता है। एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस के शुरू होने से पहले ही काम पर लगना पड़ता है। सच्चाई तो ये है कि 99% नए बिजनेस अपनी 10th एनिवर्सरी के पहले ही बंद हो जाते हैं। ज्यादातर बिजनेस खराब प्लानिंग की वजह से फेल होते हैं। कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है, हालांकि ऐसा करने के कई सालों के बाद ओनर भी थक जाता है। काफी समय और पैसा उन एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करती। पहली बात, अगर किसी बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया हो तो ओनर की घंटों की कड़ी मेहनत भी उसे बचा नहीं सकती। रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम जॉन था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी थी। वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करते थे जिसके लिए उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे, क्या कभी वो उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल लिया। वो वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर में कॉर्पोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ली। हर रोज जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों कम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते थे लेकिन प्लेट भर कर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बातें करने जाते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट से कहते, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम कमाएंगे। हम लोगों को काम पर रखेंगे ताकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर सके। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई थी। जॉन ने जॉइंट बंद करके एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन गए। आखिरी बार जब रॉबर्ट उनसे मिले तो जॉन ने बताया कि उनकी तनख्वाह कम थी लेकिन उन्हें कम घंटे काम करना पड़ता था। अब आप कहेंगे कि कम से कम जॉन ने बिजनेस चलाने की कोशिश तो की और उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की।
अगर उनकी माँ जिंदा होती तो हो सकता था कि उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था, लेकिन ये फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलती थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी चलता रहे और ग्रो करता रहे। यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने की जरूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके। रॉबर्ट के अनुसार बिजनेस में चार तरह के लोग होते हैं। पहला है एम्प्लॉयर, दूसरे हैं खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे बिजनेस ओनर्स, तीसरे हैं बड़े बिजनेस ओनर्स जो 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखते हैं, और चौथे हैं इन्वेस्टर्स। एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन्हें रेगुलर तनख्वाह मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। कुछ बिजनेस ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल कर उसे और बढ़ा सके। लेसन 2, लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। मतलब दोस्तों, बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कैसे बदले। ये चैप्टर अपनी गलतियों से सीखने के बारे में है। आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज्यादा जानने के मौकों के रूप में देखना चाहिए। गलतियां स्टॉप सिग्नल की तरह होती हैं। ये वार्निंग साइन के जैसे हैं, जिसका मतलब है कि आपको रुक कर सोचने की जरूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं और आपको उस भूल का पता लगाने की जरूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए। आपको बस रुक कर सोचने की जरूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। अपना नजरिया बदलें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना बुरा नहीं है। इससे आपको हताश होकर चीजों को बीच में छोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप क्या गलती कर रहे थे और उससे सीखना है। आइए रॉबर्ट के पुअर डैड की कहानी सुनते हैं। 50 की उम्र में वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए और उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली। पुअर डैड ने सोचा कि ये बिजनेस तो फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस ब्रांड के दीवाने थे। लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही उनकी दुकान बंद हो गई और उनका सारा पैसा डूब गया। इस घटना की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो काफी उदास भी हो गए थे। अपने बिजनेस के फेल होने के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजर को दोषी ठहराया। उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। उनके स्टोर में कुछ गिने चुने लोग ही आया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके लॉयल कस्टमर्स नहीं बन पाए। वो स्टोर में घंटों अकेले बैठे रहते। यहाँ सबक ये है कि किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए था। उन्हें अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया और एक के बाद एक दिन निकलते गए, जिसका अंजाम ये हुआ कि उनका दिवाला निकल गया था। पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था, ताकि वो कॉस्ट को कम कर सके और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर एक नई शुरुआत करने के बजाय वो हालात बद से बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। फर्स्ट, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। सेकंड, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। थर्ड, एक गाइड या गुरु की तलाश करें। फोर्थ, अगर फिर फेल हुए तो हताश होने की जगह फिर उससे सीखें। फिफ्थ, अपने बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करें या ट्रेनिंग लें। सिक्स्थ, अगर फेल हुए तो फिर उससे सीखें। सेवन्थ, अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। एथ, आप अपनी सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नाइन्थ, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब रखें। टेंथ, फिर से शुरू कर पहले स्टेप पर जाएं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक भी नहीं पहुंच पाते।
उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए वो कोई एक्शन ही नहीं लेते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज की कमी है या किस चीज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उससे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस चलाना कैसा लगता है। लेसन 3, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। मतलब दोस्तों, अपनी नौकरी और अपने काम के बीच अंतर को जाने। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से अपने काम और जॉब के बीच के फर्क के बारे में पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फर्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए, पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे, आपको जॉब में उतनी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज्यादा सालों तक काम किया है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की या अपना होमवर्क नहीं किया, तो उसका छोटा सा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। जब तक आप इस तरह की सोच रखेंगे, आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे। वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉयज अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को कुछ सीखने के लिए यूज नहीं करते। कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन इसका फायदा आपको बाद में होगा। अगर आप खुद की नॉलेज को बढ़ाएंगे तो आपके पास पैसा कमाने के ज्यादा मौके होंगे। अब प्रोफेशनल एथलीट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया। उन्होंने कम उम्र से ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ना जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी चोट आए, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल को इम्प्रूव किया। उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉक बैंड बीटल्स ने शुरुआत की थी, तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई नहीं जानता था कि बीटल्स कौन थे। वे लिवरपूल के सिर्फ एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने के पहले कई क्लब्स में पूरी पूरी रात परफॉर्म किया है। उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी, उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बीटल्स ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचे, तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने B1 ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। B1 ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन 5 लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहां काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था। पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया था, जो था कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट, लेकिन 5वां फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरे से शुरू ना करना पड़े।
वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वो एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर रह गए। लेसन 4, सक्सेस रिवील्स योर फेलियर्स। मतलब दोस्तों, सफलता आपके असफलताओं को प्रकट करती है। बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट ज़ेरॉक्स कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाते थे और अपने साथियों से काफी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को बुलाया। तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज्यादातर वक्त वो कॉफी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिताते थे। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट को रिजेक्शन से नफरत थी, इसलिए वो कम से कम कॉल करना चाहते थे। रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर कर ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की जरूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी जल्दी आप फेल होंगे, उतनी ही तेजी से आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूजर बनकर रह जाएंगे। रिच डैड ने सलाह दी कि रॉबर्ट को नाइट शिफ्ट में एक अलग सेल्स जॉब ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि रॉबर्ट जल्द से जल्द फेल हो सके। लेकिन रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं करना चाहते, इसके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी और एंजॉय करना चाहते थे। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे जरूरी स्किल होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेस टिक नहीं सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते, तब आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। इसलिए रॉबर्ट ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते, सॉरी, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं फौरन पुलिस को फोन कर दूंगा। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ में आई कि जॉब में तनख्वाह मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की जरूरत होती है। इसलिए रॉबर्ट ने चैरिटी के काम के लिए अपना नाम आगे किया। इस काम में उन्हें लोगों को कॉल कर पूछना था कि क्या वो कुछ पैसे दान करना चाहते थे। रॉबर्ट ज़ेरॉक्स में अपना जॉब खत्म कर शाम को 7 से 9 ये काम करने लगे। बहुत तेजी से फेल हुए। अब दिन में 3 या 4 कॉल की बजाय रॉबर्ट 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और वो इस फेलियर को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीख रहे थे। रॉबर्ट धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलवाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। वो ज्यादा अच्छे से बात करना सीख गए थे। इस तरह अपने एक्स्ट्रा काम में वो जितनी तेजी से फेल हुए, उतनी ही तेजी से ज़ेरॉक्स में अपनी जॉब में कमाने लगे। अब वो सबसे बुरे सेल्समैन नहीं थे। हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। ज़ेरॉक्स में अपने 4th साल में वो कंपनी के बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वो बड़ी आसानी से किसी को कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। लेसन 5, द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल। मतलब दोस्तों, प्रक्रिया लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट था नायलॉन सफर वॉलेट। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट नहीं बेच पाता था, वो खुद का बिजनेस शुरू कर करोड़पति बन गया था। वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीदी, पूरी रात पार्टी करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो सिस्टम और लीगल में मात खा गए। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो रॉबर्ट और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब रॉबर्ट ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस तो किया। यही तो रिच डैड कह रहे थे, ज्यादातर लोगों को जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। ज्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय घर पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। रिच डैड ने सिर्फ पैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेस करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने इसे एडवेंचर के लिए किया था। भले ही वो कई बार फेल हुए, लेकिन रिच डैड को कभी उन एक्सपीरियंस के लिए पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा, वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि गोल से ज्यादा वहां तक पहुंचने का प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। फेलियर आपको याद दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की जरूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सके। रिच डैड ने समझाया कि रॉबर्ट ने लाखों तो कमा ही लिए थे, जिसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर थे।
उन्हें बस इम्प्रूव करते रहने की जरूरत थी ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। कई सालों बाद जब रॉबर्ट पीछे मुड़कर अपने करियर को देखते हैं, तो सोचते हैं कि कैसे वो तनख्वाह कमाने वाले से मल्टी मिलियनेयर बन गए। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 30 सालों में उन्हें बिजनेस के 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। पहला था लर्निंग प्रोसेस, दूसरा था अर्निंग प्रोसेस और तीसरा था गिविंग बैक यानी वापस देने का प्रोसेस। 1974 से 1984 तक रॉबर्ट ने एक बिजनेसमैन बनने का तरीका सीखा। तब उनका बिजनेस फेमस रॉक बैंड्स के लिए नायलॉन सफर वॉलेट और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना था। इन 10 सालों में उन्होंने B1 ट्रायंगल को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। जैसा कि हमने पहले सीखा था, ये बिजनेस के 5 लेवल्स के बारे में है, जो है प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो। 1984 से 1994 तक रॉबर्ट ने बहुत पैसा कमाना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपने प्रॉफिट को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जिससे उन्हें रेंट और दूसरे इनकम होने लगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को बिजनेस सिखाने का कोर्स भी ऑफर करना शुरू किया। 1994 से 2004 तक रॉबर्ट ने फैसला किया कि अब तक उन्होंने जितना भी कमाया है उसके बदले उन्हें भी कुछ करना चाहिए, यानी गिविंग बैक। उन्होंने लाखों कमा लिए थे और अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो भी बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। रॉबर्ट ने खुद से पूछा, मैं ज्यादा लोगों की मदद और सेवा कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट को सफलता के शिखर पर पहुँचने में 30 साल लगे। तो बताइए, हम में से कितने लोग इस प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई ये सवाल पूछता है, कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है, तो लोग बड़ी जल्दी अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि इस चैलेंजिंग प्रोसेस से गुजरने के लिए कौन कौन तैयार है। वैसे तो कई तरीके हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं, जैसे जब आपको अच्छी खासी जायदाद मिल जाती है, या आप किसी अमीर इंसान से शादी कर सकते हैं, या किसी क्राइम के चक्कर में पड़ जाते हैं, या लॉटरी में पैसे जीतते हैं। लेकिन ये तरीके लंबे समय तक टिके नहीं रहते, ये आपको कभी सच्ची खुशी और सक्सेस नहीं दे पाएंगे। कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा, अगर आप बिजनेस में अपना सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे? हेनरी ने कहा, मैं उसे 5 सालों के अंदर वापस कमा लूंगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट होना। अगर कभी आप अपना सारा पैसा खो भी देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीखकर ज्यादा होशियार और स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा होगा, तब तक चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा पैसा कमाते रहेंगे, बिल्कुल हेनरी फोर्ड की तरह। तो दोस्तों, आपने एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच के फर्क के बारे में जाना। अगर आप सच में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मंथली तनख्वाह नहीं मिलती, कोई प्रॉफिट होने से पहले आपको खुद रेंट, इंटरनेट सबका खर्च भी उठाना होगा। आपने ये भी समझा कि बिजनेस शुरू करने के प्रोसेस में हम कई बार फेल होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी आप उसका हल भी ढूंढ सकते हैं। फेलियर इस प्रोसेस का हिस्सा है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बिजनेस के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रियल में एक्सपीरियंस करना। आपने जॉब और अपने काम के बीच के फर्क को भी समझा। एक बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन बहुत सारे काम फ्री में करते हैं, कभी कभी उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि अगर आप डटकर काम करते रहे, सीखते रहे और खुद को इम्प्रूव करते रहे तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जितनी बार फेल होंगे आपको सक्सेसफुल होने के लिए उतने ही ज्यादा मौके मिलते रहेंगे। फेल होने से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसी तरह आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनते हैं। आपने ये भी जाना कि गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट उस तक पहुँचने का पूरा प्रोसेस होता है। आजकल लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट प्यार और इंस्टेंट बहुत सारा पैसा। लेकिन रियल लाइफ में इंस्टेंट कुछ नहीं मिल सकता, खासकर सक्सेस तो बिल्कुल नहीं। जो सक्सेस इंस्टेंट मिलती है वो उतनी जल्द ही खत्म भी हो जाती है। लंबी सक्सेस पाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और खूब सारा काम करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की जर्नी बहुत एडवेंचरस होती है। बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क कर सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लिया तो आपको कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। बिजनेसमैन का मतलब एक सेलिब्रिटी होना या बंगला और लग्जरी कार खरीदना नहीं होता। बिजनेसमैन होने का मतलब है एक पर्पस होना और चीजों को अपने तरीके से करने की फ्रीडम होना। अगर आपके पास एक खास पर्पस है जो आपकी इच्छाओं से भी बड़ा है, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक और अपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियो आप तक आसानी से आती रहेंगी और आप ऐसी ही बुक्स के लिए स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।